नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं खुराना रोड पर डंपिंग यार्ड पे, जहां यहां जो आपने कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं, अप्रैल तक ये कचरे के ढेर आपको दिखाई नहीं देंगे, ये कचरा बिल्कुल शून्य हो जाएगा। हाँ जी, आपका नाम? सर, नाम है नितिन शर्मा। अच्छा, मैं यहाँ पे एज अ साइट मैनेजर हूँ जी। ठीक है जी, जो ये प्लांट को आ रहा है, ये पहले जो प्लांट सारा सामान जो आया हुआ है कूड़ा, आप इसको कह सकते हो कि ये लेगेसी वेस्ट है। ठीक है, लेगेसी वेस्ट मतलब हमारे पास ये 5, 6, 7, 8 साल लगभग के पुराना हो गया, तो वो इसको लेगेसी वेस्ट कहते हैं। जो नया कूड़ा आ रहा है उसे फ्रेश कूड़ा कहते हैं। फ्रेश कूड़ा है वो इस एरिया में डल रहा है आगे। ठीक है, ये लेगेसी वेस्ट है, हमको इसको ख़त्म करने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसको ख़त्म करेंगे। जो भी ये, जैसे आप देख पा रहे हो, ये कांटा है, धर्म कांटा, जितना भी कूड़ा होगा, ठीक है, इस कूड़े को हम बड़े डंपर्स में, ठीक है, कलेक्ट करके पोकलिन के थ्रू डंपर में डालेंगे। उससे फिर ये प्रॉपर तरीके से वेट होगा। ठीक है, वेट होने के बाद ये टर्मल के पास गिरा जाएगा। ठीक है, जेसीबी के थ्रू ये टर्मल्स में डलता है। उसके बाद रोलिंग होने के बाद ये अलग अलग हिसाब से, ठीक है, बेल्टें होंगे, कन्वेयर बेल्टें, कन्वेयर बेल्टों के थ्रू ये अलग अलग एमएम के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसको हम फिर, जैसे मान लो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक अलग हो जाएगा, सोयल होगा, सोयल अलग हो जाएगी। ठीक है, और मतलब जितना बारीक कूड़ा होगा वो बारीक बारीक के थ्रू जैसे अलग होता रहेगा, पॉलीथीन अलग होता रहेगा, प्लास्टिक व्लास्टिक सब सब मतलब एक आइसोलेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से जी। तो ये कब तक प्रोजेक्ट आपका? ये हम कह सकते हैं ये हमारा अप्रैल तक का है भाई। हमें देखा जैसे देखा जाए तो अप्रैल तक का हमारे को वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, हम कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, हम इसको कंप्लीट को काम करें। यहाँ क्या बनेगा? जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये धर्म कांटे की जगह है, वेट ब्रिज, यहाँ पे वेट ब्रिज लगेगा। ठीक है, इस वेट ब्रिज के ऊपर कूड़ा आएगा, ठीक है, जो डंपर के थ्रू आएगा, इसको तोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे टर्मल, वो जैसे आपने पूरा एरिया देखा है, वो सारा एरिया टर्मल्स के लिए खाली किया गया, वो प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया गया है और इसको रोलिंग कर दी गई है ताकि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से टर्मल लग पाए। ठीक है, वो देख पा रहे हो जैसे एरिया, ठीक है, लगभग हमने 100 फुट का एरिया वहाँ से क्लीन किया है, 100 फुट चौड़ाई में और लंबाई में 150 फुट के आसपास। ये मशीन किस काम? जैसे ये आइडियल फ्रेम है और ये टर्मल है, ये दो रखे हैं, ये दो टर्मल हैं, ये दोनों आइडियल फ्रेम हैं। ठीक है, इसकी टर्मल के थ्रू ही जो हमारा होगा ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें टर्मल में घूमेगा, कूड़ा डलेगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेशन हो जाएगा सारा, इस टर्मल के थ्रू होगा, इस पर कन्वेयर बेल्टें लगेंगी, कन्वेयर बेल्टों के थ्रू ये अलग अलग कूड़ा जाता रहेगा, जिसने एमएम के हिसाब से होगा वो अलग होता रहेगा। जैसे आप देख पा रहे हो सामने देख पा रहे हो, वो सामने रखा हुआ है, वो लीचर ट्रीटमेंट प्लांट है। लीचर ट्रीटमेंट प्लांट जिसे कह सकते हो, भाई जितना लीचर निकलता है ना, इसके नीचे निकलेगा कूड़े के नीचे से, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए वो लीचर ट्रीटमेंट प्लांट है, सामने लगा हुआ है हरे वाला, जैसे आप देख पा रहे हो, उसको ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉपर तरीके से, लीचर को साफ किया जाएगा।